अच्छा, जो ब्रावो हैं उन्होंने तो गाना ही चेंज कर दिया भाई। उन्होंने कहा अब तो फुल, पहले उन्होंने कहा था फलाना इज द चैंपियन, लारा इज द चैंपियन, जो उनका गाना था। अब उन्होंने अपने इनका रख दिया राशिद चैंपियन, नबी चैंपियन, ये चैंपियन, गाना बदल दिया भाई उन्होंने। देखिए इस वक्त जो जिस जगह जाते हैं यही करते हैं। पहले कोयटा ग्लैडिएटर का गाना भी उन्होंने ही गाया था, जिसमें उन्होंने, वो राइटर है असल में इस गाने के, तो उनको एडिटिंग आसान हो जाती है। पहले इन्होंने खुद ही गाया भाई, अपनी टीम के लिए गाया था जब वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप सब पे फिट हो जाता है। कॉपीराइट दिए जा रहे हैं सबको दिए जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि वो जिस टीम में जा रहे हैं वो टीम विन भी कर रही है। और अफगानिस्तान ने उनको ऐसी परफॉर्मेंसेस दी है तो ओवर एक्साइटेड में ऑब्वियसली उनको अपना गाना ही याद आएगा इस वक्त। अच्छा, ये वैसे अगर हम बात करें डीजे ब्रावो की गाने के अलावा तो कितना निखार ले आई है टीम में? देखिए अभी इस वक्त उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं उसमें अगर आप बात करें तो राशिद खान इस वक्त ओवरऑल T20 क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए एंड ही इज़ द वन बॉलर जिन्होंने सबसे ज़्यादा 4 विकेट्स हॉल लिए हैं। फिर आप बात करें फजलुल हक फारूकी की जो इस वक्त टॉप चार्ट पे हैं। गुरबाज की बात करें और उनके साथ जो इब्राहिम जादरान है उनकी पार्टनरशिप की बात करें तो उनके सारे प्लेयर्स हर डिपार्टमेंट में परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वक्त ये एक्साइटमेंट जोनाथन ट्रॉट के लिए भी है और ब्रावो के लिए भी उतनी इक्वल है। ब्रावो के लिए भी इतनी, तभी उसने कहा भाई मैं। देखिए अगर इस वक्त आप देखेंगे ना शेरी भाई, तो टॉप 3 बैटर्स अगर आप उठा के देखेंगे तो फिर उसमें 2 अगवान है टॉप 3 में इस वर्ल्ड T20 में। टॉप 3 बॉलर्स देखेंगे तो उसमें 2 अगवान है टॉप 3 के अंदर। उनके फजलुल हक फारूकी 16 विकेटों के साथ पहले नंबर पे, अर्शदीप सिंह के 15 आउट और 14 राशिद खान ने किए हैं। तो टॉप 3 में 2 अगवानी। इसी तरीके से रहमतुल्लाह गुरबाज 281 टॉप स्कोरर है, ट्रेविस हेड 255 और 229 इब्राहिम जरदान। तो टॉप 3 में उनके 2। और फिर जो ख़ास तौर पे इनके ओपनिंग पेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जिम्मेदारी के साथ खेल रहा है, कंडीशन को समझ के खेल रहा है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं एज ए ओपनिंग पेयर। देखिए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो चुका है बाबर का और रिजवान का जो रिकॉर्ड था 411 रन का, उन्होंने जो 2021 के वर्ल्ड T20 में इमारात में बनाया था वो भी तोड़ चुके हैं। वो 442 रन ऑलरेडी बिफोर सेमीफाइनल। नो डाउट देखें इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अफगानिस्तान की क्रिकेट परफॉर्मेंस है वो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है और बहुत खुशी भी है और इसी तरह अच्छी जाती है। जो मेहनत करेगा उसके रिजल्ट सामने आएंगे। हम तो बात कुछ जो करते हैं ना वो तो ज़ाहिर है जो अंदर टीम में हो रहा होता है, हम तो इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। खड़े रह के खेलो, हाँ खड़े रह के खेलो। गिर के थोड़ा सा अजीब सा हो गया, मोहल्ले में मजाक बन सकता है।